नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 3 जून को 3 बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्लेश करने जा रही है। दोस्तों इनमें एक है सम्राट पृथ्वीराज, दूसरी है विक्रम तथा तीसरी है मेजर। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि कल शाम तक की एडवांस बुकिंग के आधार पर इन तीनों फिल्मों को अब तक कितनी एडवांस बुकिंग प्राप्त कर चुकी है और दोस्तों ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करने वाली है, किस प्रकार का हाइप, किस प्रकार का क्रेज इन फिल्मों के प्रति उनके प्रशंसकों में देखा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज की। दोस्तों ये बहुत ही बड़े बजट की फिल्म है, 300 करोड़ रुपए का इसका बजट है और दोस्तों इसकी स्टार कास्ट भी बड़ी ही अमेजिंग है, शानदार है। दोस्तों इसमें सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ मानुषी छिल्लर, संजय दत्त, सोनू सूद, साक्षी तंवर, आशुतोष राणा, मानव वीज जैसे प्रमुख कलाकार आपको अपने अभिनय के रंग दिखाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों चूंकि ये भारत के महान शासक अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है, उनकी उनको योद्धा के रूप में पेश करती है। 1191 तथा 1192 में उनका जो आक्रांता मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ था उसके बारे में ये फिल्म है। तो दोस्तों ये फिल्म एक उत्सुकता जगाती है और दोस्तों इस फिल्म की हाइप काफी ज्यादा है, क्रेज काफी ज्यादा देखा जा रहा है। विशेषकर जो इसका ट्रेलर नंबर 3 आया था उसके बारे में फिल्म के प्रति लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों जहां तक बात करें इस फिल्म की एडवांस बुकिंग के बारे में, तो दोस्तों कल शाम तक ये फिल्म देश भर से करीब 1,04,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त कर चुकी थी, जो अच्छी कही जा सकती है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस एडवांस बुकिंग में से भी ज्यादातर जो एडवांस बुकिंग प्राप्त हुई है वो मुंबई तथा दिल्ली NCR से प्राप्त हुई है। दोस्तों मुंबई में इस फिल्म को करीब 286 शोज में एडवांस बुकिंग शुरू की गई है और थिएटर ऑक्यूपेंसी करीब 7% की देखी गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं 7 शो फर्स्ट फिलिंग है, अभी हाउसफुल कोई शो नहीं है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं मुंबई से इस फिल्म को 15.92 लाख मतलब करीब 15,92,000 रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त हो चुकी है। वहीं दोस्तों दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली NCR में करीब 315 शोज पर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू की गई है और दोस्तों वहां पे थिएटर ऑक्यूपेंसी 9% है और दोस्तों करीब 15 शो फास्ट फिलिंग है। वहीं दोस्तों बात करें कितना अमाउंट दिल्ली से इसने प्राप्त किया है, तो दोस्तों करीब 26.39 लाख की एडवांस बुकिंग दिल्ली से ये फिल्म प्राप्त कर चुकी है। तो दोस्तों फिल्म की एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन असली खेल आज से शुरू होगा। जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है वैसे वैसे फिल्म की एडवांस बुकिंग का बढ़ना तय है। तो दोस्तों आज का दिन यानी कि मंगलवार, फिर बुधवार और फिर बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को फिल्म की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त उछाल देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों आज की एडवांस बुकिंग देखते हुए मतलब कल तक की एडवांस बुकिंग देखते हुए तो लगभग ये लग रहा है कि ये फिल्म कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग गुरुवार तक हासिल कर सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस फिल्म का करीब पहले दिन का जो ओपनिंग कलेक्शन है वो ट्रेड पंडितों के अनुसार करीब 20 से 25 करोड़ रुपए तक रह सकता है अगर एडवांस बुकिंग 15 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाती है। तो दोस्तों आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का, कल का और परसों का, इन 3 दिनों में अगर सम्राट पृथ्वीराज को काफी अच्छी एडवांस बुकिंग प्राप्त हो जाती है तो दोस्तों फिर ये फिल्म काफी कमाल कर सकती है। वही दोस्तों आपको भी बता दूं कि जो तमिल वर्जन है इसका उसको भी करीब 37,000 रुपए की एडवांस बुकिंग अब तक प्राप्त हो चुकी है। दोस्तों अब बात करते हैं एक और जबरदस्त फिल्म, बिग बजट फिल्म विक्रम, जो कि तमिल फिल्म है। दोस्तों इसमें 3-3 सुपरस्टार एक साथ नजर आने वाले हैं, जिनमें एक कमल हसन, दूसरे विजय सेतुपति तथा तीसरे फहद फासिल। दोस्तों दरअसल ये एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें सूर्या भी एक कैमियो रोल करते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों इस फिल्म की बहुत ही जबरदस्त हाइप है, इसका ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया था क्रिटिक्स को भी और इन सुपरस्टार्स के फैंस को भी। तो दोस्तों इस फिल्म को बाकी जगह तो अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन दोस्तों ये फिल्म तमिलनाडु में कमाल करने वाली है, बम्पर ओपनिंग लेगी इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये फिल्म कल शाम तक करीब 3,40,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त कर चुकी थी। दोस्तों इसकी ज्यादातर जो एडवांस बुकिंग है वो चेन्नई तथा बंगलुरु से आ रही है। दोस्तों चेन्नई में ये फिल्म करीब 1,25,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त कर चुकी है और वहां पर इसके जो शोज है वो करीब दोस्तों 326 शो में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू की गई है और थिएटर ऑक्यूपेंसी 57% है, जो कि ग्रेट है, सुपर्ब है। वहीं दोस्तों करीब 175 शो हाउसफुल हो चुके हैं और करीब दोस्तों 52 शो फास्ट फिलिंग शो है। तो दोस्तों जबरदस्त तरीके से कमाल करने वाली है। वहीं दोस्तों अगर बंगलुरु की बात करें तो बंगलुरु में भी करीब 126 शो में से 9 फास्ट फिलिंग है तथा 6 हाउसफुल शो हो चुके हैं। वहां पर भी करीब 15% से ज्यादा थिएटर ऑक्यूपेंसी देखी गई है और ये फिल्म करीब
34 से 35 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग बेंगलुरु से भी प्राप्त कर चुकी है। तो दोस्तों अब ये तय हो गया है कि तमिलनाडु में तो नंबर वन मूवी विक्रम ही रहने वाली है, उसके बाद में ये पृथ्वीराज तथा मेजर का नंबर आने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु में ये फिल्म जबरदस्त ओपनिंग लेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बाकी इसके हिंदी वर्जन का क्या होता है या आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि इसको नॉर्थ में भी करीब 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। दोस्तों अब बात करें एक और बड़ी फिल्म मेजर की, जिसमें अधिविशेष विशेष भूमिका में है, मतलब मुख्य भूमिका में है, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का रोल वो प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म को भी काफी तारीफ मिल रही है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म की भी जो एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट्स आ रही है वो केवल हैदराबाद यानी इसका जो तेलुगु वर्जन है वहीं से अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है, बाकी जगह से इस फिल्म की भी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। दोस्तों इसका जो तेलुगु वर्जन है उसको अब तक करीब 53 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त हो चुकी है, और दोस्तों ये एडवांस बुकिंग भी ज्यादातर हैदराबाद से मिली है। हैदराबाद से इस फिल्म को करीब 43 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त हो चुकी है। वहां पर दोस्तों इस फिल्म के करीब 159 शोज है, और दोस्तों उनमें से करीब 50 शोज हाउसफुल हो चुके हैं, और दोस्तों करीब 63 शोज है वो फास्ट फिलिंग शोज है, और दोस्तों वहां पर थिएटर ऑक्यूपेंसी है वो करीब 34% देखी गई है। तो दोस्तों ये तय हो गया कि मेजर फिल्म तेलुगु, इसका जो तेलुगु वर्जन है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपनिंग लेगा कहाँ पर, हैदराबाद में, जहां पर कि तेलुगु भाषा के लोग रहते हैं, तो वहां पर दोस्तों ये फिल्म सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली है। वहां पर विक्रम तथा पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज का नंबर इसके बाद में ही आने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो से ये कन्फर्म हो गया कि हिंदी बेल्ट में हिंदी वर्जन में सबसे ज्यादा ओपनिंग लेगी सम्राट पृथ्वीराज, और दोस्तों सेकंड नंबर पे रह सकती है विक्रम, वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पे रहेगी मेजर, वहीं दोस्तों तमिल वर्जन में सबसे ज्यादा ओपनिंग लेगी, सबसे ज्यादा बिजनेस करेगी फिल्म विक्रम, वहीं दोस्तों तेलुगु वर्जन में सबसे ज्यादा ओपनिंग करेगी फिल्म मेजर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको इन तीनों फिल्मों में से सबसे ज्यादा किसका इंतजार है, कौन सी फिल्म को आप सबसे पहले देखना चाहेंगे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, साथ ही दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।